मध्य प्रदेश के चार सीटन मा उपचुनाव है और ये चार सीटन मा विंध के एक अहम सीट रैगांव मा उपचुनाव है। यह उपचुनाव के रण रैगांव के रण मा सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पहले यह चुनाव के जो कहा जाए जंग रही बगावती जंग रही उसके बाद चुनाव उलझगा जातिगत समीकरण मा। तो हम बताऊं किके पड़ी के ऊपर भारी रैगांव के रण में। तो विध क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सब जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह राजनीतिक खबर के जौने में। अपना प्रत्येक बता दी कि मध्य प्रदेश के रैगांव विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार खत्म होते कई रंग जो है दे दी सी अपने आप में प्रत्याशी के समर्थन में दुनहु दल के स्टार प्रचारक जो है स्टार प्रचार करे आए। निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गए लेकिन बगावत के माहौल से शुरू भाव चुनाव अभियान जातिगत समीकरण पर कब आई के थमिगा मुद्दा हवा हो गए। यह मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रतिमा बागड़ी और कांग्रेस के कल्पना वर्मा के बीच है। रैगांव विधानसभा सीट की तिर धुआंधार प्रचार भा यह दौरान पार्टी के द्वारा प्रचार अभियान में जाति समीकरण पर फोकस किएगा। दलन के द्वारा जो जाति समीकरण तैयार किएंगे उसके अनुसार रैगांव विधानसभा क्षेत्र के 70% मतदाता जातिगत समीकरण में बटे हैं। विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता ब्राह्मण और चौधरी वर्ग के हैं। उनका साथ खितिर दोनों दल जो है एड़ी चोटी के जोर लगाए हैं। प्रवचक बता दी रैगांव के रण के आखिरी समय से मुद्दा गायब हो गए। जातिगत समीकरण साधे खितिर हर दल जो है राजनीतिक गोटी बैठा बत नजर आवा। भाजपा की तरफ से 3 दर्जन विधायक अलग अलग समाज के लोगन के घर में दस्तक दे रहे। यहाँ 6 मंत्री कमान संभाल रहे। कांग्रेस पीछे नहीं रही। पूरे प्रदेश के नेता रैगांव के गलियर में चहलकदमी कर दिखा रहे हैं। अपने सजाती मतदाता का लुभावे के प्रयास कर रहे हैं। प्रवचक बताया दी बात जातिगत समीकरण की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। इनकर संख्या 38,000 है। एक बात चौधरी मतदाता की संख्या 26,000 है। जो जाति में मतदाता 5 अंक का छुअल लागे उमर छत्री 24,000 कुशवाहा 20,000 कोल 15,000 बागरी 7,000 दाहिया 5,500 विश्वकर्मा 5,400 लोधी 4,800 प्रजापति 4,200 डोहर 4,100 कोरी 4,100 सेन 3,500 साहू 3,500 यादव 3,300 बंगाली 2,900 रजक 2,500 पाल 2,200 गुप्ता 2,200 मुस्लिम 2,100 गौड़ 1,900 ढीमर 1,700 केवट 1,700 सोनी 1,700 पटेल 1,400 और नामदेव 1,300 शामिल है। कुल मिलाए के रैगांव में 70 जाति के मतदाता हैं जे अपने मताधिकार के उपयोग करी है। प्रवचक बताया दी सतना के वह इलाका जहां यूपी के सीमा हो के कारण जातिवाद हावी रहा है ऐसे बसपा की यहाँ असर रहा है लेकिन यह इधर की जो है बीएसपी चुनाव में नहीं उतरी। ऐसे पार्टी के जाति वर्ग के अनुसार जो संख्या तैयार है ओके सर्वे के आधार पर हालांकि सर्वे यह संख्या से वास्तविक संख्या कुछ अंतर हो सका थे। माना यह जान रहा है कि चुनाव में यह आंकड़ा काफी मायने रखी और ये मतदाता के वोट अपने खाता में डरबावे खातिर प्रयास जो है 2 दिन में यह राजनीतिक दल करी है। तो निश्चित तौर पर यह जातिगत आंकड़ा जो है अपना आप समझ गए हो काहे की जो स्थिति रैगांव के रण में है ओमा प्रमुख जो यदि कहा जाए जो हिस्सेदारी वोटर के है तो ओमा ब्राह्मण वोटर के ज्यादा है और चौधरी मतदाता ज्यादा है। तब देखा दिलचस्प हुई कि रैगांव के रण में केकर पलड़ा जो है भारी होते और केकर पलड़ा हल्का हो जाते है और यह चुनाव में केका विजय श्री मिला थी और के शर्मा हार के ताज होते हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद प्रणाम।